क्या आपकी सॉइल में नमक है? अगर नहीं तो आज ही ले आइए इप्सम सॉल्ट। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इप्सम सॉल्ट के बारे में, क्यों यूज करना चाहिए, कब और कैसे। आपके सारे सवालों का जवाब आज ही मिलेगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा जरूर। हाय, मेरा नाम है श्वेता और मेरे चैनल का नाम है माई गार्डेनिया माई प्लेस। तो बात करते हैं कि इप्सम सॉल्ट है क्या। इप्सम सॉल्ट एक सस्ता ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है प्लांट्स के लिए। इस सॉल्ट में काफ़ी अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम और सल्फेट पाया जाता है। चाहे फूलों वाले पौधे हों या फिर सब्जियों वाले, मैग्नीशियम की कमी तो सब में पाई जाती है, तो इसलिए इप्सम सॉल्ट इन सभी पौधों में बहुत लाभदायक होता है, जैसे कि बेल पेपर हो गया, रोज़ हो गया, हिबिस्कस हो गया एंड मैनी मोर। दूसरा सवाल आता है कि इप्सम सॉल्ट कब यूज़ करना चाहिए। जब प्लांट्स में मैग्नीशियम की कमी पाई जाए। अब प्लांट्स में मैग्नीशियम की कमी है ये कैसे पहचाना जाए? बहुत ही आसान है। जब आपका पौधा बेजान से दिखना लगे और पत्तियों की वेन्स ग्रीन हो और पत्तियों का कलर येलो हो, कुछ इस तरीके से। और तो और कभी कभी ये भी पाया जाता है कि रेड डॉट्स भी हो जाती हैं लीव्स पे। अब जब भी आपकी पत्तियों में ये दो सिम्टम्स नज़र आए तो समझ जाएगा कि मैग्नीशियम की कमी है और इप्सम सॉल्ट की ज़रूरत है। आज एक बहुत बड़ा मिथ भी दूर कर देती हूँ जो काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन और मिथ जैसा है कि इप्सम सॉल्ट प्लांट्स के लिए अलग होता है और मेडिकल यूज़ के लिए अलग। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दोनों के लिए सेम होता है। चाहे आप उसे प्लांट शॉप से खरीदें या फिर मेडिकल शॉप से, इप्सम सॉल्ट इज सेम फॉर बोथ द पार्टीज़। अब बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे किया जाए। तो दो तरीके से आप इप्सम सॉल्ट अपने पौधों को दे सकते हैं। पहला मेथड है आप डायरेक्टली सॉइल में, और दूसरा मेथड है कि आप इप्सम सॉल्ट को पानी में डिजॉल्व करके भी यूज़ कर सकते हैं। या तो डायरेक्टली सॉइल पे आप पोर कर दीजिए वो फर्टिलाइज़र, या फिर आप लीव्स पे भी। तो चलिए शुरू करते हैं कि इप्सम सॉल्ट कितना और कैसे लेना चाहिए। चलिए पहला मेथड जानते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, जो सबसे ईजी है। एक टेबल स्पून हमें इप्सम सॉल्ट लेना है और एक लीटर पानी में इसको मिक्स कर देना है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, जो कि आप या तो अपनी पत्तियों पे भी स्प्रे कर सकते हैं और डायरेक्टली सॉइल में भी। तो आज मैं ये जो मेरा जेन कॉर्नर है, इसके पीछे वाला जो प्लांट है पोथोसोरियम, इसमें मैं इप्सम सॉल्ट का डोज देने वाली हूँ। इसकी लीव्स की शाइन और साइज से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये फर्टिलाइज़र का तो कमाल है ही, और साथ ही साथ सनलाइट का। तो यहाँ मेरे जितने पौधे हैं, मैंने इनमें सी वीड सॉल्यूशन भी दिया है और इप्सम सॉल्ट भी दिया है। एक डिटेल्ड वीडियो मैंने फोलेज प्लांट्स पे बनाया है कि उनकी केयर आप कैसे करें, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। बेस्ट वीडियो है फोलेज लवर्स के लिए, तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। और ये जो धब्बे दिख रहे हैं ये सी वीड सॉल्यूशन के हैं, तो इसका भी उपाय मैंने उसी वीडियो में दिया है। अब बात करते हैं जो हमने डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाया था इप्सम सॉल्ट का, बारी है अपनी पत्तियों को फीड कराने की। स्प्रे बॉटल में डाल के ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन आप अपनी लीव्स को फीड करा सकते हैं। और अगर आपने अपने पौधों में मॉस्टिक यूज़ करी तो मॉस्टिक को इन फर्टिलाइज़र के सॉल्यूशन से भिगोना मत भूलिएगा, इट्स अ मस्ट। क्योंकि नोट्स जो है वो खाना मॉस्टिक से ही लेती हैं, तो मॉस्टिक को भिगोना मत भूलिए अपने वाटरिंग स्केड्यूल में भी और अपने फर्टिलाइज़र स्केड्यूल में भी। तो ये जितनी भी लीव की शाइन एंड साइज देख रहे हैं ना, ये उसी का कमाल है। अब बात करते हैं अपना दूसरा तरीका, यू कैन यूज़ रॉ इप्सम सॉल्ट डायरेक्टली ऑन द सॉइल। तो स्टेप वन, पहले हमें पॉट की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। सूखा पॉट हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक गुड़ाई की टिप देती हूँ कि जब भी आप गुड़ाई करिए तो गुलाई से किया करिए, बीच में मत चलाया करिए प्लीज़। तो गुड़ाई करने के बाद हमें एक चम्मच इप्सम सॉल्ट लेना है और कुछ इस तरीके से गुलाई के आकार में हमें किनारे किनारे इप्सम सॉल्ट अपने गमले में डाल देना है। आप इप्सम सॉल्ट अपने पॉट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। अगर 12 से 14 इंच का गमला है तो एक चम्मच लीजिएगा इप्सम सॉल्ट, और अगर छोटा गमला है तो छोटा चम्मच इप्सम सॉल्ट लीजिएगा। आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इप्सम सॉल्ट डालने के बाद हम वापस से गुड़ाई कर देंगे, गुड़ाई क्या मिक्स कर देंगे, और दूसरे दिन हम पानी डालेंगे अपने पॉट्स में, उसी दिन मत डालिएगा। ये जो सिंगोनियम देख रहे हैं, इसका जो ये शाइन और कलर है, ये इप्सम सॉल्ट की वजह से आया है। मैं आखिरकार इस सॉल्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
अगर प्लांट्स में मैग्नीशियम की कमी है तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा और क्लोरोफिल ना बनने के कारण फोटोसिंथेसिस नहीं होगा एंड ड्यू टू ऑल दिस आपका प्लांट वीक हो जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसके लिए हमें चाहिए है सॉइल में सॉल्ट। तो आज ही ले आइए एप्सम सॉल्ट और मैग्नीशियम की कमी दूर करिए। बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको एप्सम सॉल्ट का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सेव दिस पोस्ट। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।